सो वी ऑल नो कि जो हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल चल रही है, एंड वी नीड अ गेम जो कि पबजी मोबाइल को रिप्लेस कर दे या फिर उसका एक अल्टरनेटिव हमें काफ़ी अच्छा जो है मिल जाए। एंड मे बी वॉरजोन मोबाइल इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने नहीं देगा, क्योंकि जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का बैटल रॉयल मोड है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, एंड थोड़ा बहुत वो अनरियलिस्टिक भी लगता है, तो उसे खेलने में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है जितना कि पबजी मोबाइल में था। लेकिन अगर हम बात करें कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन के बैटल रॉयल मोड के में, तो वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक है और काफी ज्यादा एंजॉयबल भी है। तो सोचो अगर ये मोबाइल के लिए आ जाता है तो कितना ज्यादा बढ़िया रहेगा, एंड हम सबको एक अल्टरनेटिव भी मिल जाएगा पबजी के अलावा। तो इसलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी लीग्स के बारे में जिनसे कि ये प्रूव हो जाएगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन का एक मोबाइल वर्जन भी लाया जाएगा, एंड और भी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में वॉरजोन मोबाइल से रिलेटेड, जैसे कि इसकी रिलीज डेट क्या हो सकती है और इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में वॉरजोन मोबाइल से रिलेटेड। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस, सबसे पहली लीक आ रही है ऑफिशियल एक्टिविजन की वेबसाइट से, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन के पब्लिशर हैं, एंड उनकी वेबसाइट पे जो है एक जॉब लिंक देखी गई है जो कि है चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर फॉर वॉरजोन मोबाइल। अब ये जो जॉब लिस्टिंग है ये अभी फिलहाल के लिए तो विजिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस जॉब लिस्टिंग को जो है रिमूव कर दिया है। अब इस जॉब लिस्टिंग को रिमूव करने के दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि मतलब उन्हें कोई चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिल गया हो इस गेम के लिए, एंड दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जैसे ही लोगों ने मतलब इस पेज को देखा कि उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर चाहिए वॉरजोन मोबाइल के लिए, तो लोगों ने सोचने लग गए कि मतलब वॉरजोन मोबाइल भाई बहुत ही जल्द आ रहा है, तो हो सकता है वो लोग इस चीज़ को अभी लोगों के सामने ये अनाउंस ना करने चाहते हो, इसलिए जो उन्होंने इस जॉब को मतलब निकाल दिया वेबसाइट से अपने। तो इससे एक चीज प्रूव हो जाती है कि मतलब जो हमारा वॉरजोन मोबाइल है उसकी डेवलपमेंट अभी मतलब ये करेंटली डेवलपमेंट में है, एंड हो सकता है कि बहुत जल्द ये गेम हमें देखने के लिए मिल जाए। अब आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अगले महीने ही आ जाए, फिर कल परसों में ही ये निकल के आ जाए, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको आने में मतलब हो सकता है कि एक साल लग जाए या फिर दो साल लग जाए। तो इसकी रिलीज डेट अभी तो फिलहाल कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी इसकी डेवलपमेंट अभी जस्ट स्टार्ट हुई है इस साल में, तो हो सकता है आने वाले एक या फिर दो सालों में ये गेम हमें देखने के लिए मिल जाए। एंड अगर हम बात करें दूसरी लीक की, तो वो ये आ रही है कि जो वॉरजोन मोबाइल का एक सब रेडिट प्रोफाइल भी बन गया है, जिससे कि यही चीज प्रूव हो जाती है कि ये जो गेम है अभी इन डेवलपमेंट है, एंड आने वाले कुछ टाइम में हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, अब एक लास्ट ही चीज बचती है जो कि है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी स्पेसिफिकेशंस होंगे ना वो थोड़ी बहुत हाई होंगी, जैसे कि हो सकता है कि हमें मिनिमम जो है 6 GB रैम लगे इस गेम को खेलने के लिए, एंड हो सकता है कि स्नैपड्रैगन 800 का प्रोसेसर लगे, क्योंकि अभी के टाइम पे जो हमारे पास फोन है वो है ऑलमोस्ट 4 GB रैम के फोन, एंड आने वाले एक या फिर दो सालों में हम लोगों पे मतलब 6 GB रैम के फोन कॉमन हो जाएंगे, तो तब के टाइम पे 6 GB रैम की रिक्वायरमेंट्स हमें कुछ ज्यादा नहीं लगने वाली है। तो मे बी ये लोग इसी के हिसाब से इस गेम को बना रहे होंगे, एंड आई होप ये गेम हमें जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि इसका जो पीसी वर्जन है भाई वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। लेकिन यार एक बहुत ही बड़ा चैलेंज डेवलपर के सामने भी है, वो ये है कि इसका जो पीसी वर्जन है ना उसका जो साइज है वो ऑलमोस्ट 200 GB के अराउंड है, और इसे मोबाइल पे पोर्ट कर पाना हो सकता है कि इनके लिए काफी बड़ा चैलेंज हो, लेकिन देखते हैं कि ये मतलब कैसे काम करेंगे इस पे। और मोबाइल पे जो इसका साइज इन्हें रखना चाहिए वो 7 से 8 GB तक ही रखना चाहिए, क्योंकि तब के टाइम पे तो हमारे पास थोड़े बहुत एडवांस फोन आ जाएंगे तो हम इस गेम को खेल पाएंगे 7-8 GB तक का होगा तो। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए जैसे कि 10 GB के अराउंड, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुश्किलें हमें फेस करनी पड़े। तो देखते हैं कि क्या होता है फ्यूचर में, और इस गेम से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आता है तो उसे मैं कवर करने की जरूर से कोशिश करूंगा अपनी वीडियोज में। तो ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।